सात जुलाई मोहम्मद बरकतुल्ला की जयंती है जिनका जन्म अठारह में भोपाल में हुआ था भोपाल में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए पढ़ाई पूरी होने के बाद वे इंग्लैंड के लिवरपूल में रहने लगे वहाँ वे पत्रकार के रूप में काम करने लगे और क्रांतिकारी गतिविधियों तथा भारतीय राजनीतिक मामलों से संबंधित लेख प्रकाशित कराए लंदन में रहने के दौरान वे लाला हरदयाल श्याम जी कृष्ण वर्मा नसरुल्ला खान और राजा महेंद्र प्रताप जैसे प्रमुख क्रांतिकारियों के संपर्क में आए 1907 में उनकी मुलाकात अमेरिका में मैडम भीकाजी कामा से हुई इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क शहर की पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में भारतीय राजनीति और मुस्लिम हिंदू भाईचारे पर लेखों का योगदान दिया फरवरी 1909 में वे जापान के टोक्यो में रहने लगे और 1910 में इस्लामिक फ्रेटर्निटी नामक पत्रिका की शुरुआत की टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदुस्तानी के प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अध्यापन भी किया टोक्यो से उन्होंने काहिरा कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉस्को का दौरा किया और 1911 में वहां श्याम जी कृष्ण वर्मा और अन्य क्रांतिकारियों से मुलाकात की इस बीच प्रेस में उनके ब्रिटिश विरोधी लेख और बयान इतने लोकप्रिय और प्रभावशाली थे कि ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारत में उनके लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया बल्कि जापानी अधिकारियों पर उनके प्रति शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण रखने के लिए दबाव डाला इसके परिणाम स्वरूप उन्नीस में उनकी पत्रिका पर प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी प्रोफेसरशिप को रद्द कर दिया गया बाद में वे गदर पार्टी की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आशा के साथ जापान से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को चले गए इस पार्टी की स्थापना में उन्होंने 1913 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे जर्मनी गए और चंपा क्रमण पिल्लई लाला हरदयाल और अन्य लोगों के सहयोग से बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया मोहम्मद बरकतुल्लाह इस्तांबुल चले गए और वहाँ की सरकार के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए 1915 में वे भारत जर्मन मिशन के सदस्य के रूप में काबुल गए और पहली दिसंबर 1915 को काबुल में प्रधानमंत्री के रूप में निर्वासन में ही भारत की पहली अंतरिम सरकार की स्थापना की हालांकि स्थानीय अधिकारियों ने इसे अंग्रेजों के दबाव में बंद करने के लिए मजबूर किया बाद में वे पत्रकारिता फिर शुरू करने के उद्देश्य से जर्मनी वापस चले गए 1921 के दौरान उन्होंने मॉस्को में भारतीय क्रांतिकारियों की तीन दिवसीय बैठक में भाग लिया जून 1927 में बरकतुल्ला शैलेन्द्र नाथ घोष के साथ यूनाइटेड इंडिया लीग के सम्मेलन में भाग ले के लिए अमेरिका के डेट्रॉइ गए वे 1927 में ब्रसेल्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए यूरोप लौटे और जवाहरलाल नेहरू से मिले संयुक्त राज्य अमेरिका लौटकर सितंबर 1927 में सैन फ्रांसिस्को में निर्वासन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। हम आज राम सिंह का भी स्मरण कर रहे हैं, जो राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले थे वे ब्रिटिश भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे वे मलाया और सिंगापुर में द्वितीय विश्व युद्ध में लड़े लेकिन 1942 में जापान ने उन्हें युद्ध के दौरान बंदी बना लिया इसके बाद वे आजाद हिंद फौज की तीसरी गुरिल्ला रेजिमेंट में सिपाही के रूप में शामिल हुए म्यांमार में ब्रिटिश नेतृत्व वाली सहयोगी सेनाओं का सामना करते हुए वे 7 जुलाई 1944 को वीर गति को प्राप्त हुए 7 जुलाई को नागिंदर सिंह की पुण्यतिथि भी है नागिंदर सिंह पंजाब में लुधियाना के निवासी थे वे ब्रिटिश भारतीय सेना की आठवीं पंजाब रेजिमेंट में सिपाही थे उन्नीस में वे आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और हवलदार के रूप में काम करने लगे उन्हें बर्मा में अंग्रेजों का सामना करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया जहां उन्हें दुश्मन ने पकड़ लिया 7 जुलाई 1943 को उन्हें फांसी दे दी गई।